मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने भी विराट कोहली के लिए ट्वीट किया है, व्हाट एन इनिंग बाय द वन एंड ओनली द रियल किंग एट विराट कोहली, टेक अ बाउ। तो यही है भैया मोहम्मद आमिर, जो कि आपने देखा है काफी बार बाबर आजम से भी इनकी लगती है, बाबर आजम की भी इन्होंने तंकीद बोल लीजिए या फिर क्रिटिसिज्म बोल लीजिए किया है, बहुत बार बोला है, एक बार नहीं बोला है कि विराट कोहली जैसा बैटर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और नंबर वन बैटर जैसे बोल रहे हैं कि रियल किंग। तो अगर आप रियल किंग की बात करें तो भाई किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, देयर इज ओनली वन किंग जिसका नाम है विराट कोहली। को एम्परर कहना शुरू करो यार, किंग विंग बहुत सारे होते हैं, सम्राट एक ही होता है भाई, राजा बहुत सारे होते हैं, इज द एम्परर। किंग कोहली को बीट करना भाई, और उनके नंबर भी उस तरीके के हैं, 250 मिलियन लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, एक तो भाई बंदा लगता हीरो है, और उसके काम रियल लाइफ में हीरो वाले हैं यार। विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी क्या लगाई कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई, और मोहम्मद आमिर ने तो उनको उनके लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो है अकेले किंग है, रियल किंग है पूरी दुनिया के क्रिकेट के, विश्व क्रिकेट के अकेले रियल किंग है, ऐसा उन्होंने कहा है। समीक्रम गुज़श्ते रात आईपीएल के मैच में जो कि 65वां मैच था, उसमें आरसीबी के विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। विराट कोहली के पाकिस्तान में भी लाखों की तादाद में फैंस हैं, लेकिन जहां पर मवाजना किया जाता है बाबर आजम और विराट कोहली का, तो पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है बाबर आजम के फैंस विराट कोहली से काफी ज्यादा है। इस वक्त क्रिकेट का असल किंग कौन है, स्टैट्स का जायजा लेकर या फिर परफॉर्मेंसेस को देखकर अक्सर इन दोनों के बीच में मवाजना भी किया जाता है। लेकिन गुज़श्ता रोज रात गए भारतीय मीडिया की खुशी का ठिकाना उस वक्त न रहा जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने विराट कोहली की कल के मैच के बाद यानी सेंचुरी स्कोर करने के बाद की एक तस्वीर पोस्ट की हुई थी, और साथ कैप्शन में लिखा था व्हाट अ इनिंग बाय वन एंड ओनली द रियल किंग आई एम विराट कोहली। अब ये जो एक बीच में सेंटेंस है वन एंड ओनली द रियल किंग, इसे लेकर भारतीयों ने खुशी से छलांगे मारना शुरू कर दी हैं कि वन एंड ओनली का मतलब तो सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही किंग है, और वो असल किंग कौन है, विराट कोहली है। ये बात पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने कही है। अब मोहम्मद आमिर का ताल्लुक कहां से है और वो किस टीम की नुमाइंदगी करते हैं, और पाकिस्तानी स्किपर बाबर आजम के साथ उनके ताल्लुकात किस नहज पर जाकर खराब हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा तो आपको अच्छे तरीके से है ही। लेकिन मोहम्मद आमिर को क्या इस तरह की ट्वीट करनी चाहिए थी, उन्होंने अगर विराट कोहली की तारीफ करनी थी तो हम भी वो तारीफ करते हैं, वो ये भी लिख सकते थे व्हाट अ इनिंग बाय किंग विराट कोहली, ये बीच में लिखने की आखिर क्या तुक बनती है वन एंड ओनली द रियल किंग। अब ये जो बात है इसको भारतीयों ने पकड़कर, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड मीडिया चैनल अगर आप भारत का फॉलो करते हैं उसे खोल कर देखें, तो इस वक्त ये वीडियो आपको वहां पर चलती नजर आएगी जिसमें मोहम्मद आमिर की इस ट्वीट का जिक्र है, और आगे चलकर चंद क्लिप्स आपको अपनी इस वीडियो में भी दिखाएंगे कि किस तरह अब ये वावेला किया जा रहा है कि पाकिस्तानी तो खुद कह रहे हैं कि विराट कोहली बाबर आजम से अच्छा खिलाड़ी है, असल किंग विराट कोहली है, बाबर आजम को तो कोई पूछता नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह की बकवास भारत के सोशल मीडिया पर भी चल रही है। खैर मोहम्मद आमिर की ट्वीट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे अब भारतीयों के हाथ एक चीज लग चुकी है और उसे कैसे लेकर उछलते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने भी विराट कोहली के लिए ट्वीट किया है, व्हाट एन इनिंग बाय द वन एंड ओनली द रियल किंग एट विराट कोहली, टेक अ बाउ। तो यही है भैया मोहम्मद आमिर, जो कि आपने देखा है काफी बार बाबर आजम से भी इनकी लगती है, बाबर आजम की भी इन्होंने तंकीद बोल लीजिए या फिर क्रिटिसिज्म बोल लीजिए किया है, और इन्होंने काफी बार ये भी बोला है कि विराट कोहली को इन्होंने वैसे बाय द वे आउट भी किया हुआ है, बट इन्होंने सीधा सीधा ये बोला है, बहुत बार बोला है, एक बार नहीं बोला है कि विराट कोहली जैसा बैटर पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ, और नंबर वन बैटर जैसे बोल रहे हैं कि रियल किंग, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा चलता है किक बाबर किक बाबर। हाँ, हाँ। तो मोहम्मद आमिर ने ये बता दिया आपको आज, मैं पाकिस्तानियों के लिए नहीं, वैसे नहीं बुरा नहीं बोल रहा, बट आप लोग क्योंकि किक बाबर करते हो, तो मोहम्मद आमिर ने स्पेसिफिकली आपके बहुत बड़े बॉलर ने बाय द वे जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है, उसने आज ये लिखा है कि एक ही रियल किंग है जिसका नाम है विराट कोहली, और क्यों ना हो, जिस प्रेशर में ये सेंचुरी आई है, आई थिंक मोहम्मद आमिर, बाय द वे मोहम्मद आमिर ने वर्ल्ड कप में भी बोला था कि जो विराट कोहली की 82 ऐसा खेला जाता है, आपको T20 अगर खेलना है तो ऐसा खेले आप। मोहम्मद आमिर ने PSL भी बोला था कि मैं बाबर आजम को आउट कर सकता, और बाय द वे मोहम्मद आमिर रिटायर हो चुका है ना, उसके बाद भी PSL में बाबर आजम को आउट किया था मोहम्मद आमिर, नहीं पहले मैच में बाबर आजम ने भी रन मारे थे, बट उसके बाद दूसरे मैच में मोहम्मद आमिर ने PSL देखा उसमें मोहम्मद आमिर ने आई थिंक एल भी किया था, मेरे ख्याल से बोल्ड किया होगा, बट मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आउट भी किया था। तो अगर आप रियल किंग की बात करें तो भाई किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, देयर इज ओनली वन किंग जिसका नाम है विराट कोहली, ये बात याद रखिएगा। एंड आई वांट टू थैंक एंड अप्रिशिएट मोहम्मद आमिर, बाय द वे अगर आप पाकिस्तानी प्लेयर्स देखेंगे बहुत प्लेयर होंगे जिनका वहां पर आपको लिख जाएंगे ट्वीट्स जिन्होंने विराट कोहली के बारे में लिखा होगा, बट इसमें कोई डाउट नहीं है यार कि बादशाह एक ही है और विराट कोहली है। 63 बॉल्स में 101 है 100 है
विराट कोहली ने भी कहा था इंडिया की ट्रॉफी होती तो आरसीबी किंग देखिए अब इन्होंने भी मानते हैं कि ग्राउंड पे थोड़ा मुश्किल है पर वहां हो सकता है। अब देखो इसका भी एक ट्वीट है, इसमें भी आपके बाबर आजम को टारगेट करा है, किंग बाबर भी कहा जाता है। उन्होंने कहा है मोहम्मद आमिर जो इनके एक आर्च राइवल रहे हैं, व्हाट आई थिंक बाय वन एंड ओनली द रियल किंग, रियल किंग उन्होंने मेंशन करा है। विराट किंग तो आपका सिर्फ यार विराट के लिए यूज होता है भाई। मैं कहता हूं अब आप विराट को एम्परर कहना शुरू करो यार। किंग विंग बहुत सारे होते हैं, सम्राट एक ही होता है भाई, राजा बहुत सारे होते हैं, इज द एम्परर। विराट ने तो खुद ही कहा था सोशल मीडिया की ट्रॉफी होती तो रियल मैड्रिड से लड़ते हैं वो लोग, बार्सिलोना में तो आराम से वहां कप का जीत गया होता। यहां का थोड़ा मुश्किल है, इनसे ज्यादा इनको देख के अमेरिकी चौंक जाते हैं। अमेरिकन लोग वो चाहते हैं, उनको लग रहा है एनबीए इतना पैसा है, लेब्रोन जेम्स है उनके सामने, विराट कोहली के सामने कुछ नहीं है। पॉपुलरिटी आप देखो कितने ज्यादा पॉपुलर है विराट कोहली। इसमें ये भी चीज प्ले पार्ट करता है कि भाई क्रिकेट सबसे पॉपुलर इंडिया में और क्रिकेट में सबसे पॉपुलर किंग कोहली है। किंग कोहली को बीट करना भाई, और उनके नंबर्स भी उसके 250 मिलियन लोग अगर फॉलो कर रहे हैं, एक तो भाई बंदा लगता हीरो है और उसके काम रियल लाइफ में हीरो वाले हैं यार। स्पोर्ट्स आर टीम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार एमआई आरसीबी सीएसके तीनों ही क्वालीफाई करेंगे। इट विल बी हां भैया तीन पूरी बात रही है भाई, ये क्वालीफाई कर लेंगे तो क्या आईपीएल हो जाएगा ये तो। हां एलएससी सेवाग का, बज्जी का और कुलदीप यादव का। चलाइए क्लास की जबरदस्त पारी थी भाई, नो डाउट अमेजिंग पारी थी उनकी, बस उसको ओवरशैडो कर दिया विराट कोहली के मास्टर प्लान। चेस किंग अगेन खुद ही कहते हैं, देखो उन्होंने आज एक बात भी कही है कि यार बोलो बाहर से बोलते रहेंगे, मतलब वो चीजें देखो आपको सही ना कहे विराट कोहली जैसा बंदा भी इतना बिजी भाई। पॉइंट टेबल तो डिस्कस कर लो एक बार, पॉइंट टेबल निकाल लो एक बार, वो निकाल दिया जो हमने शुरुआत में बात। अच्छा विराट ने भाई देखो ना सिग्नेचर किया है क्या, विराट कोहली को एक और पारी खेलनी है बस जीटी के वर्सेस। मांजरेकर साहब, कुलदीप यादव, हरभजन सिंह, आपके सबने ट्वीट किया भाई विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी क्या लगाई कि पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। और मोहम्मद आमिर ने तो उनको उनके लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया और उन्होंने कहा कि विराट कोहली जो है अकेले किंग है, रियल किंग है पूरी दुनिया के क्रिकेट के, विश्व क्रिकेट के अकेले रियल किंग है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, व्हाट एन इनिंग बाय वन एंड ओनली किंग। जी हाँ, ये उन्होंने बहुत ही सम्मान पूर्वक ये बात उन्होंने कही है। 104 रन की पारी खेली थी 51 गेंदों पर और ये उनकी छठी आईपीएल की सेंचुरी थी। और अपना जो यूट्यूब चैनल है इनिंग विद इनस्विंग, इनस्विंग विद आमिर, उसमें उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा है कि इस युग में विराट कोहली उनके अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं कि उनके आसपास भी कोई क्रिकेटर नहीं है, दुनिया का कोई क्रिकेटर नहीं है और मौजूदा पीढ़ी के किसी भी क्रिकेटर से विराट की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने एक और मुकाम हासिल कर लिया है ये सेंचुरी बनाकर, और ये सेंचुरी उनकी विशिष्ट है, लाजवाब है, खास है और जो मस्ट विन गेम में देखने को मिली है, जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी तभी उन्होंने ये सेंचुरी जड़ी है। अविश्वसनीय शॉट्स थे उनका उनके इस पारी के दौरान और उन्होंने कहा कि अलग ही क्लास दिखाई देती है विराट कोहली की, उनको खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है और बड़े प्लेयर की झलक उनमें दिखाई देती है। 5 साल यदि उन्होंने कहा कि उनको और खेलने को मिल गए तो वो ना जाने कितने रिकॉर्ड जो है विश्व क्रिकेट के अपने नाम कर लेंगे। तो वहीं क्लासेन की भी उन्होंने तारीफ की है, 104 रन उन्होंने बनाए 51 गेंदों पर और उनकी पारी की भी उन्होंने दिल खोलकर तारीफ की। लेकिन हम आपको ये बता दें कि विराट कोहली को जो उन्होंने ओनली किंग कहा है और कोई भी दुनिया का क्रिकेटर उनके आसपास भी नहीं है, ये वो क्रिकेटर कह रहा है जिसने विराट कोहली को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आउट किया था जब वो फ्लिक लगाने गए थे और एज लगा और गेंद जो है शादाब के हाथों में चली गई थी और विराट कोहली आउट हुए थे मोहम्मद आमिर की गेंद पर।